must experience Zabardast adventure, guys. You cannot miss it. It's amazing. On the go with Jafri, with Vikas Khan, and it's amazing though. कराची में आपने आना है और आप डेविल्स पॉइंट से आएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा. एच एम यू कैन डू पावर ग्लाइडिंग हियर वेटिंग फॉर राइट नाउ एंड पीपल इज डूइंग पावर ग्लाइडिंग. ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर द टूरिस्ट हूएवर कम्स टू कराची. यू नो व्हाट आई मीन, विजिट हियर. Jafri with Vikas Khan, amazing though. We're going to explore something very very rare which is happening here in Karachi. Talal bhai ke sath maujood hai bhaiya, aur hum kya karne ja rahe hain Talal bhai? Assalamu alaikum, mera naam Talal hai. I'm founder of Karachi Gliding Club. Acha hum log power gliding karne ja rahe hain. This is called power gliding. This machine takes off from the ground. Ek propeller hota hai iske piche jo aapko thrust de raha hota hai. इसके ऊपर एक पैराशूट विंग होता है जो आपको लिफ्ट दे रहा होता है, एंड फिर एक पायलट होते हैं जो इसको उड़ा रहे होते हैं, एंड जैसे डज को पायलट. जबरदस्त. इसके थोड़े से वेरिएबल होते हैं विद फ्यूल प्राइसेस एंड एवरीथिंग, बट करेंटली हम लोग 5 to 7 minutes की फ्लाइट 6,000 एंड 8 to 10 minutes की फ्लाइट 8,000. 6,000, आप यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली 20-25 euros. भाई कहाँ दुनिया में किस जगह पे आप पावर ग्लाइडिंग 25 euro में और या $30 में करते हैं? वी हैव ट्राइड टू कीप इट एज सब्सिडाइज्ड एज पॉसिबल सो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल इन कराची कैन इजीली एक्सेस इट. बिल्कुल, ये इनकरेज भी कर रहे हैं, इसी वजह से 6-7-8 हज़ार यार कुछ भी नहीं होते. हम लोग रोजाना की $200 से कम तो बाहर नहीं होते.
इतना खूबसूरत आपने सेटअप किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये हम यूरोप में अगर करते हैं तो एक तो हमें जाने नहीं दिया जाता, उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। यहाँ पर जो है अभी हम ये करेंगे तो उसके लिए कोई आप इंस्ट्रक्शन वगैरह पहले करते हैं? ऑब्वियसली आपकी जो फ़्लाइट होगी उससे पहले आपको प्री फ्लाइट ब्रीफ दी जाएगी, एंड देन वेरी क्वालिफाइड एंड वेरी एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर इज गोइंग टू बी विद यू हु विल फ्लाई द एयरक्राफ्ट एंड यू विल सेट एज अ को पायलट, सो यू आर इन सेफ हैंड्स। इसके सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह हम हाईली स्टैंडर्ड जो एविएशन स्टैंडर्ड होता है उस प्रोसीजर्स पे हम सारे करते हैं। डेली इसके इंस्पेक्शंस होते हैं, लॉग होते हैं, प्री फ्लाइट चेक्स होते हैं, एंड एवरीथिंग व्हाटएवर नीड्स रिप्लेसमेंट गेट्स रिप्लेस्ड ऑन टाइम। तो सारे आपके सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके हम लोग फ्लाइट करते हैं। सेफ्टी क्या क्या इश्यूज और इसकी कंसर्न? सेफ्टी में तीन चार एलिमेंट्स होते हैं किसी भी एविएशन में हमने देखने होते हैं। सबसे पहले विंड और वेदर होता है, और मोस्टली डिजास्टर का बायस वही बनता है जब आप गलत विंड और वेदर की जजमेंट के ऊपर आप किसी इमोशनल उसमें आके फ्लाई कर रहे हैं। हम विंड वेदर एक लिमिट से ऊपर होती है, जो सेफ लिमिट से ऊपर होती है तो हम नहीं करते फ्लाई, वी जस्ट वी नो द फोरकास्ट एंड उसी के हिसाब से हम अपने फ्लाइंग ऑपरेशंस प्लान करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, आपके पायलट जो हैं वो क्वालिफाइड हैं, प्रॉपरली ट्रेंड हैं कि नहीं है, दैट एलिमेंट काउंट्स अ लॉट, ह्यूमन एलिमेंट। एंड थर्डली फिर आपकी आती है इक्विपमेंट। अच्छा, फिर हम इक्विपमेंट के, मैंने आपको जैसे बताया प्री फ्लाइट चेक्स एंड वो प्रॉपर लॉग होता है, सारा रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है कि कब कौन सा पार्ट रिप्लेस हुआ था, कौन सा रिप्लेसेबल है, इंजन के मैन्युफैक्चर रिकमेंडेड 25 आवर्स चेक, 50 आवर्स चेक, 100 आवर्स चेक। हर दिन जब हम फ्लाई करते हैं तो फ्लाइंग से पहले इसकी एक पूरी 360 100 पॉइंटर्स की चेकलिस्ट बनी हुई है जिसको हम चेक करते हैं, बिल्कुल सही। आफ्टर दैट, अच्छा फिर उसके बाद भी खुदा ना खास्ता इट्स अ मशीन, स्टिल कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकती है, तो अगर इसका मैक्सिमम कुछ हो जाए खुदा ना खास्ता तो इंजन फेलियर हो सकता है। अगर हो गया तो भी आपके पास ग्लाइडर लगा हुआ है, ग्लाइडर लगा हुआ है, इट कैन ऑलवेज ग्लाइड डाउन, हम अक्सर आइडल पावर पे लैंड कर रहे हैं। बिल्कुल जबरदस्त। आप यहाँ पे आएंगे, ये बहुत सेफ जगह है, इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस, यू कैन कम हियर एंड डू पावर ग्लाइडिंग। सो डू पावर ग्लाइडिंग, वन इज कॉल्ड पैराग्लाइडिंग मशीन का, इतना पैराग्लाइडिंग इज फ्रॉम द माउंटेन, इट्स नॉन पावर्ड, उसकी हम ग्राउंड ट्रेनिंग यहाँ करवाते हैं सर्टिफाइड, उसके बाद हम थोड़ा सा कराची से बाहर डिफरेंट माउंटेन्स पे हाइट्स पे ले जाते हैं जहाँ से। बिफोर डूइंग दैट, अगर इसको आपने ट्रेन करना है इस पे अपने आप को, तो आपको वो पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग जरूरी है, आपका विंग कंट्रोल अच्छा होता है। परफेक्ट। या आई कैन इवन, ही इज माय लिटिल सन इबू, इबू ही इज 4 इयर्स ओल्ड एंड माशाल्लाह ही इज कंप्लीटेड 50 प्लस फ्लाइट्स। रियली ही इज परफेक्ट, ही वाज 3 इयर्स ओल्ड सिंस ही स्टार्टेड फ्लाइंग, लिटिल पायलट। जब आप ऊपर होते हैं ना, तो इट्स नॉट जस्ट लाइक ये एक पायलट है और एक मशीन है और ऊपर है, इट्स एन एंटायर टीम वर्क। अदील हैं, किरण हैं, हमारे ऑपरेशंस देखती हैं, पायलट है सिराज भाई, इज एन इंस्ट्रक्टर पायलट एज वेल, और हमारे जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर भी हैं। स्पेशल थैंक्स टू अवैस, अवैस जो है हमारे स्किल्ड पैराग्लाइडर पायलट भी हैं, और हमारे जो है वो यहाँ पे टेक्निकल एस्पेक्ट्स वगैरह देखते हैं। तो ये एक बंदे को ऊपर रखने के लिए ये पूरी टीम का यहाँ पे बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड वर्क चाहिए होता है। एंड योर टीम वर्क इज अमेजिंग, और ये पूरी टीम है जो ये राइड कर रही है, ये है कराची ग्लाइडिंग क्लब। थैंक यू कराची।